ने तो उनके भाई की हत्या ही कर दी। तो अब Everyone, welcome to my channel, Anisha Reacts. कैसे हैं जी, उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। ट्रेलर आया है मनोज राजपाई का और मूवी का नाम है जी भैया जी। बड़े अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही पुराने एक्टर हैं। उनकी कोई भी जो है मूवी होती है ना, तो कोई भी जो है सीरीज होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आप लोगों ने मुझे जो है बताना है कि किन किन को इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल का आइकन आपने प्रेस करना है, अनीशा ऑफिशियल पे एंड इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कर। चलो स्टार्ट करते हैं। अरे ओ पंडित जी, अरे कौन है ये भैया जी? पंडित जी कौन है भैया जी? कौन है भाई? कौन है भैया जी? कौन है भैया जी? पॉलिटिक्स की बात करें तो सत्ता पक्ष को विपक्ष और विपक्ष को सत्ता पक्ष करने के मास्टरमाइंड भैया जी, उनके फावड़े ने हजारों कुकर्मियों को इस संसार से मुक्त किया है। फावड़े ने? एक समय था जब मात्र उनकी कहानियां सुनकर कुकर्मी अपना कुकर्म त्याग देता था। उस समय सरकार भी वही थे, प्रजा भी वही थे, क्राइम भी वही थे, कानून भी वही थे। रॉबिनहुड है क्या? रॉबिनहुड नहीं है वो, उसका बाप है। एक्टर है भाई, हथियार बड़ा जबरदस्त है। गांव पुपड़ी, जिला सीतामंडी, बिहार, और आपने तो उनके भाई की हत्या ही कर दी। तो अब यार चंदर वाले ना बड़ी कुत्ती चीज है, खा के डगर जाएगा आपको। ओए तेरी खैर, क्या चपेड़ है। भैया जी फुल स्वैग में है। अब निवेदन नहीं, नरसंहार होगा। बड़ी मुश्किल हिंदी होती, यानी के फाइट क्या रुमाल के साथ फाइट होती ना, गीला होके। ओए है अप्रूव सिंह करके अच्छा डायरेक्टर है। BGM बड़ा मजे का है यार, मस्त है। तो अब ये भैया जी आएंगे और तबाही मचाएंगे। फाइट अच्छी है यार। आहा, और भैया जी का इंट्रो बड़ा मजे का था। भैया जी आखिर कौन है भैया जी? वो भी बेजार हो गया, कौन है भाई जल्दी बताओ। और उसने तो उनके भाई को ही मार दिया, बताओ। इतने गुस्से वाले भैया जी का, ये छोड़ने वाले नहीं है वैसे, इनकी जो है चटनी बनाने वाले हैं। खैर मुझे लगता है ये उसी तरह की जो है मूवी होने वाली है, जैसे कि मार धाड़ और फाइट सीन्स होंगे, देसी फाइट, गोलियां छोलियों से, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ख़त्म खलास। और बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत अच्छी एक्टिंग जो है करते हैं। फाइट भी यार बहुत अच्छी लगी, मतलब मुझे अच्छी लग रही है मूवी ओवरऑल ना, बहुत मज़े वाली मूवी। अच्छा BGM बड़ा अच्छा लगा यार, इस टाइप का ख़तरनाक किस्म का। और जो है वो जो एक हीरोज के पीछे लगा होता है ना BGM स्वैग वाला, वो मुझे ज़रा उसकी फीलिंग आई, उसकी वाइब आई। और एक्टिंग, एक्टर जो है नो डाउट सबको पता है कि बहुत अच्छे हैं, और
इनके जो डायलॉग्स की जो पावर होती है ना, वो सामने वाले को हिला देती है। जिस तरह से आप जो है जानते हैं, कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको लुक से, इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, लुक वाइज भी अच्छे हैं। मैं ये कह रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा उनको अपनी एक्टिंग के ऊपर होता है सीन ना, कि भाई एक्टिंग में यार ये मेरा अंगूठा जो है ना इसमें लग गई इसको, इसके मैंने सोचा, लेकिन मैं हाथ से बातें करती हूँ तो ये दिख ही गया, मुझे बहुत जोर की लग गई। तो खैर यार, बहुत अच्छा था ओवरऑल ट्रेलर, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग जो है बताइएगा, आप लोगों को इंतज़ार है, किस चीज़ को इंतज़ार है, कौन कौन जो है पसंद करते हैं। ठीक है जी, और दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और एनिशा ऑफिशियल को भी फॉलो कर लें जो कि इंस्टाग्राम पे, और इसको तो आपने सब्सक्राइब कर लिया, इतने सारे लोगों ने नहीं किया हुआ यार, 99% ने। ठीक है, तो चलो यार, ओके बाय।